हेलो व्यूअर्स, आज हम अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस के माध्यम से केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है नाम तंत्र। लास्ट वीडियो में हमने आपका परिचय नाम तंत्र का परिचय का अध्ययन किया था, उसी का ही ये भाग है। ये कई भागों में वीडियो कंप्लीट होगी। अब नाम तंत्र का जो आधुनिक रूप है उसे IUPAC कहते हैं। IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, यानी अंतर्राष्ट्रीय रसायन वैज्ञानिकों का वह संघ जो शुद्ध और सही कार्बनिक रासायनिक यौगिकों के नामकरण करता है। नामकरण करने से पहले हमें कुछ बारीकियों का भी अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि नामकरण किस तरह से नहीं रखा जाता है उसे अध्ययन करना आसान पड़ेगा। जैसे सबसे पहला वर्ड आता है समूह। समूह यानी ग्रुप। ग्रुप क्या है? तो कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है वो दो या दो से अधिक कोई भी कार्बनिक यौगिक दो या दो से अधिक अवयवों से बना होता है। ये अवयव ही समूह कहलाते हैं। अब जैसे हमने एक शब्द लिखा है मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। तो इसमें एक ये CH3, ये मैथिल समूह है और ये आपका एल्कोहल समूह है। दो समूह हुए। अब समूह के प्रकार क्या है? एन टाइप ऑफ ग्रुप। तो समूह दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक सामान्य समूह जिसे आप जनरल ग्रुप कहते हैं, और दूसरा आपका क्रियात्मक समूह। यानी आपका एक्टिव ग्रुप कहलाता है। अब सामान्य समूह क्या होते हैं? कि वे समूह जिनसे ही साधारण नाम रखा जाता है वो समूह सामान्य समूह कहलाते हैं, और वे समूह जिनसे उस समूह के विशेष लक्षणों का अनुभव होता है उसे कहा जाता है आपका नहीं क्रियात्मक समूह। साधारण नाम वाले समूह को सामान्य समूह कहते हैं। इसके अंतर्गत कार्बन की संख्या के आधार पर किया जाता है। संख्या के आधार पर आधारित होता है। अब कार्बन की संख्या के आधार पर जैसे आपका भी सी की संख्या एक है तो ये आपका मैथ समूह कहलाएगा। मैथ
सी की संख्या अगर दो है तो ये एच कहलाएगा, सी की संख्या तीन है तो ये आपका प्रोब कहलाता है। ऐसे ही आपका क्रियात्मक समूह जो है तो बे नाम वाले समूह, बे नाम वाले विशेष समूह, समूह जिनके जुड़ने पर यौगिक विशेष लक्षण वाला हो जाता है, विशेष लक्षण वाला हो जाता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे आपका OH समूह है, OH समूह जो है अल्कोहल समूह कहलाता है। अल्कोहल मीन्स शराब जिसे हम कहते हैं, ऐसे ही आपका CHO एल्डिहाइड समूह कहलाता है। एल्डिहाइड CO समूह जो है कीटोन कहलाता है, कीटोन। ऐसे ही COOH जो है आपका कार्बोक्सिलिक समूह कहलाता है। इसी तरह से अगर हमारे NH2 जुड़ा है तो आपका एमीन समूह है। ऐसे ही CN समूह है तो ये आपका साइनाइड समूह है। तो ये जो आपके जो नाम है वो विशेष लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। अल्कोहल आपको पता ही है कि ये शराब जैसे होते हैं तो उस तरह के गुण दिखाएंगे। तो ये क्रियात्मक समूह सामान्य समूह वालों के गुणों को स्पेसिफाई करते हैं जिससे उनका नई कैरेक्टर्स बदल जाता है। अब इसके साथ साथ हमें दो चीजों का और अध्ययन करना होता है परिचय के अंतर्गत, जो है आपका अनुलग्न क्या है। अनुलग्न तो वे शब्द जो किसी यौगिक के नाम के बाद जुड़ते हैं अनुलग्न कहलाते हैं। अब जैसे हमने एक सामान्य सा नाम लिया CH3OH, तो इसका सामान्य नाम क्या हुआ, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। आप इसे IUPAC के नाम के आधार पर मेथेनॉल कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह जो है OH है और OH में जब भी OH जुड़ा होता है तो वहां पर आल शब्द जुड़ जाता है। मेथेनॉल में मेथेन प्लस आल ये शब्द जुड़ा हुआ है, यानी बाद में क्या जुड़ा है इसमें आल। अनुलग्न में क्या कहलाता है, वे शब्द जो किसी यौगिक के नाम के बाद जोड़ते हैं अनुलग्न कहलाते हैं। और ऐसे ही आपका पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न तो वे शब्द जो किसी यौगिक के नाम के पहले जुड़ते हैं पूर्व लग्न कहलाते हैं। अब जैसे हमारे पास CH3Cl है, इसे सामान्य रूप से मेथिल
क्लोराइड कहेंगे, जबकि इसका जो IUPAC नाम है वो आपका इसमें नहीं CH समूह क्लोरो कहलाता है, क्लोरो। तो इसके बेस पे अगर लिखा जाए तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। ये क्लोरो शब्द मेथेन से पहले जुड़ा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, पहले जुड़े होने वाले को कहते हैं पूर्वलग्न, और बाद में जुड़ने वाले नामों को कह देते हैं अनुलग्न। आज की वीडियो में इतना ही, शेष कल हम कुछ इसके ग्रुपों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।